खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर साइबर ठगों की नज़र पड़ चुकी है। इन्हीं योजनाओं से मिलने वाले लाभ और उसके लाभार्थी को टारगेट बनाकर उसके साथ ठगी की जा रही है। इसी क्रम में कोना थाना क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर साइबर ठगों के द्वारा एक आशा बहू को झांसे में लेकर लाभार्थी को फ़ोन कराया गया और उससे बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो रुपया उनके खाते में आना है वो अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस संबंध में कुछ देर बाद एक डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे और पूरी जानकारी देंगे और जैसा डॉक्टर साहब कहेंगे वैसा ही आपको कराना है। मामला इकौना थाना क्षेत्र के चिचड़ी गांव का है, जहां की आशा सुनीता जायसवाल को एक अज्ञात कॉलर ने फ़ोन किया और बताया कि मैं सीएमओ के ऑफिस से फलाना अधिकारी बोल रहा हूं। उसके बाद गांव के एक लाभार्थी अर्श सिद्दीकी के घर पर आशा के द्वारा फ़ोन कराकर सबसे पहले उसको झांसे में लिया गया। उनसे कहा गया कि आपके घर में जो पहला बच्चा हुआ था उसका पैसा आज ही आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आशा बहू के द्वारा फ़ोन कराकर सबसे पहले उसे विश्वास में लिया गया, क्योंकि आशा बहू के ऊपर क्षेत्र के लोग विश्वास करते हैं और समझते हैं कि आशा बहू के द्वारा तो कोई फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर आशा बहू को भी साइबर ठगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, उसे भी बेवकूफ़ बना दिया। इसके बाद साइबर ठगों ने डॉक्टर बनकर फ़ोन किया और लाभार्थी का खाता नंबर, आधार वगैरह सब कुछ ले लिया और देखते देखते उसके खाते से 5,000 रुपये काट लिए गए। इस संबंध में पीड़ित ने कोना थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, थाना अध्यक्ष से अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। वहीं कोना के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। इकौना सीएससी अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज के माध्यम से अवगत कराया है कि ऐसे किसी भी कॉलर पर बिल्कुल ही भरोसा न करें। अगर कोई लाभार्थी का डाटा या पर्सनल जानकारी किसी कॉलर के साथ शेयर करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। वहीं सीएससी अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि आशा बहू के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने किसी सक्षम अधिकारी से इस बाबत कोई जानकारी नहीं ली और डायरेक्ट उन्होंने लाभार्थी को फ़ोन किया, जिससे लाभार्थी झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गया। तो इस तरीके के कई कॉल आपको आते होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वगैरह बताकर लोग ठगने का काम करते हैं। ग्राम चिचड़ी के सुनीता जायसवाल ने फ़ोन किया 6:30 बजे, तकरीबन 6 बजे फ़ोन किया। वो बताई कि अभी 15 मिनट बाद तुम्हारे पास फ़ोन आएगा लखनऊ से और तुम्हारा जो 5,000 लड़की का आने वाला था वो मिलेगा, अभी वो डॉक्टर साहब भेजेंगे। अच्छा, ये सुनीता जायसवाल है कौन? ये आशा है हमारे चिचड़ी के, चौधरीपुरा के, आपके क्षेत्र की आशा, हमारे क्षेत्र के चिचड़ी। अच्छा, तो उनके नंबर से फोन आया? जी, उनके नंबर से, पर्सनल नंबर से आया सुनीता के। अच्छा, फिर जी उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव था पहले? सेव है। फिर उन्होंने क्या कहा, सुनीता जायसवाल ने क्या कहा? सुनीता जायसवाल ने बताया कि अभी 15 मिनट बाद आपके पास लखनऊ से फोन आएगा और जैसे जैसे बताएंगे डॉक्टर साहब वैसे वैसे करना मोबाइल में और तुम्हारा 5,000 आ जाएगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने फोन किया? जी, 15 मिनट बाद फोन किए। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताया, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ डॉक्टर, अभी तुम्हारे पास गांव के आशा बहू फ़ोन किए थे तो जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे करना। तो डॉक्टर अच्छा। साहब जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे हम किए। अच्छा, तो आपने किसके भरोसे जो है ये सब किया? ये सब आशा बहू के भरोसे से, हम उनको पहचानते थे, वो हमारे गांव के हैं, हम उनको अच्छे तरीके जानते हैं, तो उनके भरोसे से किए थे कि आशा बहू है हमारे गाँव के, तो दिलाएंगे। तो वो 5,000 मिला कि 5,000 उल्टे कट गया? नहीं, कट गया 5,000। 5,000 उल्टे कट गया? हाँ, कट गया, उल्टा ही 5,000 कट गया, आने के बजाय उल्टा ही कट गया। ये बताओ हमारा 5,000 कौन वापस करेगा? आशा बहू वापस करेंगी, जो फ्रॉड काटा है वो वापस करेगा। तो अभी आपने आशा बहू के खिलाफ तहरीर दिया थाने में? जी, अभी गया हूँ थाने में, दिया हूँ। आज सूचना मिली है कि कुछ लोग फर्जी फोन करके आशाओं के माध्यम से लाभार्थियों का नंबर ले रहे हैं और उनके खाते से पैसा जो है निकल जा रहा है। हमारी जो योजनाएँ चलती हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इसमें जो है प्रथम गर्भवती के दौरान जो महिलाएँ होती हैं उनको 5,000 रुपये दिया जाता है और 1,400 रुपये और दिया जाता है, टोटल 6,400 रुपये मिलता है। तो आज सूचना मिली है कि किसी ने आशा को फ़ोन किया, उसने लाभार्थी का नंबर लेके उनके खाते से पैसा निकाल लिया। तो मेरी जनता से यही गुजारिश है कि ऐसे किसी चक्कर न पड़े, किसी भी फ़ोन कॉल पे किसी तरह का कोई रिस्पांस ना दें, अपना कोई OTP आए उस OTP को कदाप शेयर ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आशा के द्वारा फ़ोन किया गया तो आशा ने आपसे या किसी सक्षम अधिकारी से समझा नहीं, डायरेक्ट उनको कॉल कर दिया, इस पर क्या विभाग कोई कार्रवाई करेगा उनके ऊपर? हाँ, आशा को जो है सूचना में आया है, उनको जो है नोटिस दी जा रही है कि आइंदा वो अपने कार्य सुधार लें और ऐसा कुछ नहीं करेंगे बिना यहाँ पे अधीक्षक से पूछे हुए।